चलेगी क्या तुम भी? चलो कोचिंग पढ़ चले। मेरे चेयर पढ़ जाना। डांस कोचिंग मत जाइए। क्यों? मैं नहीं हूँ, पहले ना आ गया। प्रतीक की तो मुझे सदी मार देता है। मैं नहान दिन की कोचिंग। पकड़ के रोती थी। कैसे तुम कर सकती? कोचिंग जाने के टाइम पे। और मैं इतना रोते थे, बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। चलो जा रहा, तू थोड़ा अरेंज कर लेना घर वर, कोई काम हम पड़ती नहीं यार। तुम बता और लेने से पहले ठीक है? ए मत कर, यही सब तुम करो हर बार। कितने देर से रुके हुए हैं तू? कर नहीं हम पे प्रैंक करेगी गाइस, हम पे प्रैंक कर रही थी खोरी, हमको पता है, आपको पता है। अभी तुम्हारे को उल्टा प्रैंक से बिजारते हो, देख लिए थे कैमरा चैटिंग में। यही काम करती है, समझ में नहीं आता एकदम, बदमाश कर रही एकदम। ये लगा तुम्हें आगे स्टार्टिंग में, तेरे नैना मेरे नैनो की क्यों भाषा बोले। तो वैसे हम लोग बहुत फूल रहते हैं ऐसे, थोड़ा सा भी आजकल हम लोग का घर बिखरा पड़ा है। इसमें तो आ भी नहीं रहा है यार। अभी आप लोग दिख रहे हैं मैं झाड़ू लगा रही हूँ, बाकी अब इतना सामान है, बाकी ये सब झोला वगैरह है ये मैं सोच रही थी कि रख देती हूँ क्योंकि कुछ कुछ काम आएगा ये सामान वान रखने के लिए। बाकी अब बस इतना ही, थोड़ा सा कपड़ा है वो बेड में ठीक करूँगी। बाकी आप लोग देख रहे हैं नीचे मैंने पूरा इतना सारा कचरा निकाल दिया, तो अभी मैं लगा रही हूँ झाड़ू। एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड सॉरी मनीषा की दुनिया। दोस्तों कैसे हो आप लोग? और अभी तो आप लोग देख रहे हैं मैं बहुत सारा काम कर रही हूँ, बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया कि दीदी आप धीरे धीरे काम करने क्योंकि आप थक जाओगे क्योंकि इतना सारा काम हो जाता है। तो थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना ज़्यादा केयर करते हो, मतलब खुद से ज़्यादा मुझे लगता है कि आप लोग इतना अच्छे से सब कुछ मैसेज करते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अभी मैं लगा रही हूँ झाड़ू और आज मैं पूरा किचन को अच्छे से सजा ही, सॉरी किचन मैं बोल रही हूँ, रूम को एकदम अच्छे से सजा के और उसके बाद से सब कुछ बेड शीट वगैरह मैं बिछा दूँगी, फिर मिलूँगी क्योंकि बहुत सारा काम है। और पता है मैंने अभी तक खाना मतलब सिर्फ ब्रेकफास्ट मैंने किया है, बिल्कुल खाने का मन नहीं करा क्योंकि टेंशन हो गया है, इतना दिनों से सब सामान बिखरा पड़ा है और एक एक करके सब कुछ अपना अलमीरा दिखाऊंगी, सब कुछ कपड़े को दोबारा चपेट चपेट के मैं रखी हूँ, ये नहीं कि कैसे भी रख दो फेंक दो ऐसा नहीं, क्योंकि यहाँ रख दिया है तो बहुत अच्छा उसमें सब कुछ सजा के रखेंगे तभी अच्छा लगेगा। और ख़ास करके मिस्टर आज का जो कपड़ा होता है ना वो अगर उसका स्क्रेच खराब हो जाता है ना वो पहनते नहीं है, बहुत ज़्यादा डांटते हैं उनका कपड़ा, मतलब बहुत इज्जत से रखना पड़ता है, लेकिन फिर भी कोई कोई कपड़ा कभी कभी दाग वाग लग जाता है ना कोई कपड़े का तो फिर बहुत डांटते हैं। तो अभी हम पूरा सब काम वाम कर लेते हैं फिर मिलते थोड़ी देर से। अभी आए हैं मार्केट में और मार्केट में मिस्टर आज अभी गए हुए हैं, तो देख रहे हैं उनको कुछ खाना था चाउमीन वगैरह तो वो गए हैं चाउमीन खाने। और यहाँ पे जीजू भी बैठे कैसे देख रहे हैं, जीजू अफसोस कर रहे हैं, हम लोग बारिश में नहाए भी है बहुत ज्यादा, पढ़ाने चला गया था गाइस जैसा कि आप लोगों को पता है पढ़ाने चला गया था। और ऐसा मतलब बदकिस्मत है ना मेरा, जब बारिश हो रहा है तो कभी रात में होता है तो मैं नहा नहीं पाता हूँ, सोया रहता हूँ सब, और कभी इंस्टीट्यूट में रहता हूँ तो होता है। और यहाँ पे राशिद भी बैठा हुआ है, लग रहा है पता नहीं कितना टाइम लग रहा है, अभी गए हुए उनका आग रहे बाहर ही खड़े हुए हैं।
लाइट भी ऑन है और मैं अभी बहुत ज्यादा थक गई हूं क्योंकि बहुत सारा काम करते करते ही गए। टमाटर खरीद, मैं अभी झाड़ू भी लगा रही थी तब तक ही गए और लेके आ गए मेरे को यहाँ। तो अभी चलते हैं घर पे, फिर दिखाते हैं आप लोगों को अपना रूम का मौसम। आप लोग देख रहे हैं कितना ज्यादा बारिश हो रहा है, इधर भी बारिश का पानी कितना सारा लगा हुआ था। अंकल जी थे वो पूरा वहाँ पे आप लोग देख रहे हैं जगह बना रहे थे पानी जाने के लिए। और अभी बादल का पूरा एकदम घड़घड़ा के एकदम बोल रहा है। आज सावन का दूसरा दिन है एंड अभी मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया पूजा पाठ करने के बाद। कान्हा जी को भी नहला धुला के ड्रेस पहना दिए हैं, अभी तो हमारा छुट्टी है। गाइस तो हम सोए हुए थे, अभी उठ गए, अभी जा रहे हैं थोड़ा सा इधर। और बहुत ज़्यादा तेज मुझे नींद आ गई थी, पता नहीं क्यों, खाना पीना बना के फिर जैसे ही खाना खाया उसके बाद से नींद आ गई थी। और अभी नींद से जैसे ही उठे वैसे ही हम जा रहे हैं, वहाँ के पीछे राशिद भी है एंड यहाँ मिस्टर राज भी है। तो अब हम लोग जा रहे हैं, अब इस ब्लॉग को करते हैं पहले। हमारा कल ब्लॉग नहीं आया क्योंकि ब्लॉग नहीं आने का बहुत सारा रीज़न था। एक तो बारिश में नहा लिए थे, दूसरा बहुत ज़्यादा कल लड़ाई, कल से लड़ाई ही हो रहा है पता नहीं क्यों, तो अभी भी आज भी हुआ। और जो इंस्टाग्राम पे हमारा जो एक रील वीडियो आया था, दो रील वीडियो, उसमें हमारा कुछ ड्रेस इधर उधर हो गया था जिसकी वजह से मुझे डिलीट करना पड़ा क्योंकि अब बहुत सारे लोग उस पर कमेंट भी कर रहे हैं कि दीदी आपने ये रील डिलीट क्यों कर दिया, वीडियो तो अच्छा बना था बस थोड़ा सा हमारा ड्रेस मिसिंग था इसलिए हमें वीडियो डिलीट करना पड़ा। वैसे आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया तो इसके लिए थैंक यू सो मच। अब बारिश आएगा मैं सब ध्यान रख के वीडियो बनाऊँगी एंड आप लोगों से शेयर भी करूँगी। तो अब इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और खूब सारा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, जाते जाते हमारा इंस्टाग्राम आईडी है राज मनीष सचिन, उसे आप लोग ज़रूर फॉलो करिए क्योंकि अभी कान्हा जी का एंड शिव जी का मैं वो डाली हूँ रियल वीडियो, बहुत ही अच्छा अच्छा, तो आप लोग जाके ज़रूर देखना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।